गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का फ्रंटलाइन एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारी मैथ की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की दूसरी वीडियो है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ। और आप देख भी रहे हो कि ये इस तरह के क्वेश्चन जो लोको पायलट में पूछे गए हैं और ग्रुप डी में इसे हल्के क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन आपको तैयारी बड़े लेवल की करनी है तो आप इजी से क्वेश्चन एग्जाम निकाल सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि कहा गया कि 3/7p बराबर 4/11 क्यू प्लस पी, तो फाइंड करना है p बटे क्यू करना है। तो सबसे पहले ऐसे ही इक्वेशन दे रखी है तो हम आर पार से द्विगुणा कर देंगे इसकी। आर पार गुणा करने से क्या होगा कि 11 3 33, यहाँ सॉल्यूशन में यहाँ फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ कि 33p बराबर 700 का 28 क्यू प्लस पी, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करें, 33p बराबर 28 क्यू प्लस में 28p, जो p है वो इस साइड ले आओ, तो प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का, 33p माइनस 28p बराबर में 28 क्यू, तो कितना आ गया 3 और 2 28, 5p बच गया ना, ये 5p बराबर 28 क्यू, तो p बटे क्यू कितना आ गया हमारा पास 28/5। तो ये हमारा पी बटे क्यू निकल गया, आराम से हम निकाल सकते हैं कि इसकी गुणा करनी है 33p, 11 3 33p, 7 4 28 और पी प्लस क्यू, क्यू प्लस पी या क्यू पी प्लस क्यू कैसे भी लिख सकते हैं, तो 33p 28 क्यू प्लस में 28p, तो 33p एज इट इज है, तो पी है हमारा इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस का, तो इसको माइनस कर दिया तो 28 और 28 33 में 28 गए तो कितने बच गए 5, तो 5p बराबर में 28 क्यू, तो p बटे क्यू हमने निकालना है। तो p बटे क्यू कैसे निकालना है, p बटे क्यू लिखने के बाद जो क्यू जो ऊपर लेके आनी है वो पहले क्यू लिखना है, उसके बाद p लिखना है। अगर हम क्यू बटे p निकालते हैं तो पहले p की वैल्यू लिखनी है उसके बाद क्यू की वैल्यू, तो ये क्यू बटे p की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है वो 0.16 और 0.64 का माध्य ज्ञात करें। अब बच्चा क्या समझता है कि इसको ऐसे इन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो, दो से तो माध्य निकल जाएगा, लेकिन वो वहां पर आंसर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, और ऑप्शन मिलता तो वो गलत हो जाता है। तो इसको आसानी से करने का तरीका क्या है कि इसको सबसे पहले अंडर रूट में रख लेते हैं कि 0.16 है, 0.16 बटे इसके उतारेंगे तो 100 आ गया, और 0.64 है बटे 100 इसका उतर गया। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 16 का होता है 4 और 64 का होता है 8, ये 100 का होता है 10, ये 100 का होता है 10, ठीक है, ये हमारे पास उतर गया। तो 8 4 32 और 10 का 100, तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि 0.32 ये हमारा क्या निकल गया माध्यक, ये हमारा क्या निकल गया माध्यक। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा ट्रिग्नोमेट्री से हमारा क्वेश्चन है ये कि 2 tan theta बराबर 3k है, तो हमें क्या निकालना है 2 sin theta माइनस cos theta बटे cos theta माइनस sin theta, ये हमने निकालना है, तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है 2 tan theta बराबर 3, तो 10 theta की वैल्यू क्या आएगी 3/2, और हमें पता है 10 theta किसके बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। तो और कोट जो कोट होता है हमारे पास क्या होता है कोस बटे साइन, टेन हो गया साइन बाय कोस और कोट हो गया कोस बाय साइन, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 3/2, ये हमारे पास वैल्यू है। तो साइन थीटा 3 है कोस थीटा 2 है, तो इसकी वैल्यू हमें लिखनी है कि हमें साइन थीटा पता लग गया कोस थीटा पता लग गया, तो 2 sin theta माइनस cos थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारे पास निकालना है। तो साइन थीटा कितना है 2, साइन थीटा 3 है, cos थीटा 2, तो 2 × 3 माइनस cos थीटा ना माइनस 2 बटे में cos थीटा कितना है 2 − 3, तो 3 × 6 − 4, 6 − 2 बराबर 4 और माइनस का 1, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 4, ये हमारे पास आंसर है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है
और जो पिछले में लेके आया था मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, ये मोस्टली बच्चे छोड़ते हैं, लेकिन इस तरह आप आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। कोई ग्रुप डी में इससे जो हैवी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जैसे दोबारा मैं करवा देता हूँ कि 2 sin जो 2 tan थीटा था, 3 था, तो 10 की वैल्यू हमने निकाल ली 3/2। तो और हमें पता है कि 10 किसके बराबर होता है, साइन बाय कोज के, और कोट किसके बराबर, कोज बाय साइन के। ये जरूरत नहीं है हमें करने की, लेकिन मैंने बता दिया कि कोट जो होता है कोज बाय साइन होता है। तो साइन बाय कोज कितना हो गया, 3/2 हो गया। और साइन बाय कोज की जो हमें वैल्यू दे रखी है 2 sin - cos, ये हमें प्रूव करना है। तो साइन की वैल्यू हमारे पास आ गई और कोज की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये हम इजिली इसमें पुट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कहा गया कि a+b, a और b मिलकर किसी काम को, अगर स्टेटमेंट आएगी तो किस तरह आएगी कि a और b मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, b और c मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, c और a मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो a+b+c मतलब तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम इजी तरीके से लिख सकते हैं कि a और b और जहां पर भी आ जाए वहां प्लस लगाना है, सीधी सी बात यह है। और के साथ प्लस कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में। बी और सी, सी और ए कितना है, 30 और 24। ए और बी 40 दिन में करते हैं, बी और सी 30 दिन में करते हैं, और सी और ए 24 दिन में करते हैं। तो इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम का मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि एलसीएम कैसे लेना है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका मल्टीपल करना है। 40 का मल्टीपल 1 से करोगे 40, तो लेकिन इन दोनों में भी वो आना चाहिए। 40 का 2 से मल्टीपल करो तो 80, लेकिन इनमें नहीं आता। 40 का 3 से मल्टीपल करो तो 120, 30 में भी आता और 24 में। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 120। तो 40 किया 120, 30 चौका 120 और 24 पंजे 120। तो ए और बी कितने दिन में करते हैं, 5 + 4 + 3, 4 5 4 9 10 11 1 12, 12 दिन में। तो हमें पता है कि ये कितना होता है, 2a+b+c, ये हमारे पास कितना आ गया, 2a+b+c, और a+b+c कितने आ गया, 12। कितने दिन में करता है, 120 दिन में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 120 × 2/12, तो 12 10 से और 10 × 20, 20 दिन में। तो ए और बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे, 20 दिन में। एक बार दोबारा समझ लीजिए, ए और बी मिलकर 40 दिन में करते हैं, बी और सी 30 दिन में, सी और ए 24 दिन में। दोनों तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह लेना है कि जो सबसे बड़ा है उसका गुणा करनी है, मल्टीपल करना है, और इन दोनों में मल्टीपल वो आना चाहिए, 30 के में भी और 24 के में भी। तो 120 आ गया, 120 आने के बाद जो ये तीनों आ गया, ए बी सी आ गया, 12 आ गया, लेकिन हमें पता है कि ये कंबाइन कर रहे हैं, a+b, b+c और c+a कंबाइन कर रहे हैं। तो हमें 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करनी है, और काटने के बाद हमारा कितना आ गया, 120 दिन हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर था जो हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचा है कि 400 का 54%, 400 का 54%। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 सेकंड में करने के होते हैं, वहां इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं होता है। एक दो तरीके मैं इसके बताऊंगा आपको, एक पहला तरीका एक दूसरा तरीका, आपकी मर्जी है कि कोई सा भी तरीका आप इसमें कर सकते हैं। एक तो सीधा है कि 400 का 54/100 कर दो, आप इसे गुणा इसी कर दो, 4 चौके 16, 1 5 का 20 और 1 21, 216 आंसर आ जाएगा। एक दूसरा तरीका इसका यह है कि 400% of 54, 54 का 400% कर दो, 400%। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 400% of 54, हम दोनों को ऐसे इस जो इक्वेशन है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 400 / 100 × 54, तो 100 से 2 जीरो कट गई, तो सीधी इसकी गुणा करेंगे तो 216। तो इस तरह हम इसको 1 सेकंड में क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ये आपके 5 क्वेश्चन मैंने जो करवाए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में लोको पायलट में और आपके CGL SSC में पूछे गए हैं। आपको पता होगा कि ये जैसे ये क्वेश्चन है मोस्टली बच्चे छोड़ के आते हैं, ये क्वेश्चन है निकलता नहीं बच्चों पे कैसे करना, ये क्वेश्चन है, ये मैंने सभी एग्जाम के प्रीवियस एग्जाम के आपको क्वेश्चन लेके दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो। धन्यवाद।